देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां रेलवे स्टेशन पर किसान एक्सप्रेस की गाड़ी के लिए मौके पर भी मिलेगी टिकट। रेलवे विभाग ने किसान एक्सप्रेस ट्रेन में अब मौके पर ही टिकट मिलने का पुराना नियम लागू कर दिया है। वहीं कोरोना काल में 4 डिब्बे जो रिजर्व किए गए थे उन्हें भी अनरिजर्व कर दिया गया है। भट्टुकला स्टेशन मास्टर तरुण प्रकाश ने शनिवार को बताया कि रेलवे विभाग ने पत्र जारी कर 21 दिसंबर से गाड़ी संख्या 14731 व 32 किसान एक्सप्रेस में कोच DL1, DL2, D9, D10 को अनारक्षित किया गया है। बठिंडा से दिल्ली व दिल्ली से बठिंडा को चलने वाली इस किसान एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रियों को 21 दिसंबर से टिकट मौके पर भी मिल सकेगी, जिससे अब यात्री को पहले दिन बुक करवाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे ने कोरोना काल से पहले वाली व्यवस्था बहाल कर दी है। इस रूट पर अब सभी रेलगाड़ियों में कोरोना काल से पहले की व्यवस्था बहाल की गई है। भट्टू कलां के ताऊ देवलाल टाउन पार्क में किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक हुई आयोजित। भट्टू कलां में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी की बैठक ताऊ देवलाल टाउन पार्क में शनिवार को आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रामस्वरूप सिद्धू ने की। इस दौरान रोहतास डुड्डी को सर्वसम्मति से तहसील कमेटी का प्रधान चुना गया। जिला सह संयोजक कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि एक साल से चले किसान के आंदोलन व संघर्ष की जीत हुई। इसके लिए जिन साथियों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा उनके सम्मान में 26 दिसंबर को एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समारोह में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के उप प्रधान कॉमरेड इंद्रजीत सिंह व राज्य सचिव सुमित दलाल भाग लेंगे। वहीं संयुक्त मोर्चा के नेता भी मुख्य रूप से आएंगे। इस अवसर पर मास्टर हनुमान, बाल सिंह, जगदीश, साधुराम, किशोरी लाल, मनोहर लाल, किशन, अभय सिंह, बिशन सिंह, जय सिंह, प्रेम शर्मा, ओम प्रकाश, देशराज सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गांव मानावाली के सुशील कुमार ने अंडर 15 आयु वर्ग में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। सम्मान समारोह आयोजित। गांव मानावाली के सुशील कुमार ने झारखंड में आयोजित हुई अंडर 15 आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर गांव में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड में हुई अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में मानावाली गांव के पहलवान सुशील कुमार के सिल्वर मेडल जीतकर गांव में आने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। इस बारे जानकारी देते हुए जिला सचिव प्रदीप पोटलिया ने कहा कि सुशील ने जिले व राज्य का नाम रोशन किया है। प्रदीप पोटलिया ने बताया कि कोच अनिल कुमार की देखरेख में प्रैक्टिस करते हुए कई बच्चों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लिए हैं। यहां सुशील कुमार का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों व एसोसिएशन ने स्वागत किया है। सुशील के पिता भीम सिंह व माता महेंद्रो देवी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। इस मौके पर रामनिवास, कृष्ण रावत, राहुल पोटलिया, मणिराम, चिरंजीलाल, पटेल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे।